जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं सुपर क्रिकेट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के बारे में। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग ने अपना रिप्लेसमेंट घोषित कर दिया है। बता दें कि काली जेमिसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर जो कि मगाला शामिल हुए हैं। बता दें कि मगाला जो कि साउथ अफ्रीका के बेहद ही टैलेंटेड तेज गेंदबाज हैं, जो SA20 में सनराइजर ईस्टर्न कैप से खेलते हैं और बेहद ही बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं इस साल SA20 में। ऐसे में मगाला चेन्नई सुपर किंग के लिए बेहद ही बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं IPL 2023 में। ऐसे में जब काइली जेमिसन की रिप्लेसमेंट घोषित नहीं हुआ था तो बहुत से बड़े बड़े नाम निकल कर आए थे। ऐसे में कोटिजिया भी दावेदारी पेश कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग में शामिल होने के लिए। बता दें कि कोटिजिया डेथ ओवर में गेंदबाजी बेहद ही खराब रहा है उन्हें SA20 में जो बर्फ सुपर किंग के तरफ से। बता दी कि सेमीफाइनल में बेहद ही खराब प्रदर्शन किया था जो बर्फ सुपर किंग के लिए, जिसके वजह से जो बर्फ सुपर किंग सेमीफाइनल हार गई थी। इस वजह से कोटिजिया शामिल नहीं हुए IPL 2023 में चेन्नई सुपर किंग में। ऐसे में दसुन सानका का भी नाम आ रहा था कि दसुन सानका शामिल होंगे चेन्नई सुपर किंग में काइली जेमिसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर, लेकिन बता दें कि ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग के पास एक से बढ़ के एक ऑलराउंडर हैं, जहां बेन स्टोक, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा जैसे बेहद ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। ऐसे में दसुन सानका का जगह नहीं बन रहा था चेन्नई सुपर किंग में। ऐसे में तीसरा भी बड़ा नाम आ रहा था कि मिचेल स्टार्क भी शामिल हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग में काइली जेमिसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर, लेकिन बता दें कि मिचेल स्टार्क बहुत सालों से IPL 2023 में नहीं खेल रहे हैं। ऐसे में वो अपना नाम भी नहीं दिए थे मिनी ऑक्शन में, तो इसलिए वो IPL 2023 में नहीं शामिल हुए चेन्नई सुपर किंग में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है मगाला का कैसा रहेगा प्रदर्शन IPL 2023 में, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वही दोस्तों यह खबर अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।